गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सेल्फ अजय आनंद और आपका पैरा से चैनल है विजन कोटा क्लासेस पटना। और आप सीख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकेंड लेक्चर है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। देर आर टू सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स, देखेंगे। देर आर टू सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर, फर्स्ट में आईयूपीएसी सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम का फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दूसरा सिस्टम है ट्राइबियल नेम, ट्राइबियल नेम और दूसरा नाम है इसका कॉमन नेम, देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है। आईयूपीएसी नेम मीन्स क्या, पूरे वर्ल्ड में फेमस रहेगा। आईयूपीएसी नेम पूरे वर्ल्ड के लोग जानेंगे कंपाउंड का नेम। और कॉमन नेम या ट्राइबियल नेम लोकल नेम होते हैं, लोकल नेम, जैसे घर का नाम आपका कुछ और होता है और सर्टिफिकेट नेम कुछ और होते हैं। जो सर्टिफिकेट नेम होते हैं हर किसी को मालूम होता है, उस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हर किसी को मालूम होता है, हर कंट्री के आदमी को मालूम होता है किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। लेकिन ट्राइबियल नेम, कॉमन नेम, लोकल नेम होते हैं। जैसे आपके घर का लोकल नेम होता है, कुछ घर के घर का नेम होता है बाबू बोलते हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं घर में, बाबू नूनू ऐसे बोलते हैं घर में, तो वो घर का नाम है लेकिन बाहर वाले नहीं जानते हैं। लेकिन बाबू नूनू किसी को सर्टिफिकेट नेम में आप लिखते हुए नहीं देखे होंगे। सर्टिफिकेट नेम कुछ और होते और घर का नेम कुछ और होते, उसी टाइप से ये ट्राइबियल नेम, ये चलन में नाम होता है, चलन में जो नाम है ट्राइबियल नेम या कॉमन नेम, घरेलू नेम, जस्ट ऐसे समझिए। और आईपीएससी नेम मीन्स क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मीन्स क्या, पूरे वर्ल्ड में ये नाम सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कुछ रूल्स है इसके, रूल पढ़ लीजिए, कुछ रूल्स है। रूल नंबर फर्स्ट, रूल है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन चेन को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करते हैं, लिखा देते हैं लास्ट में, फिर आपको समझा देंगे एग्जांपल देके के, एग्जांपल देकर के। तो लिखेंगे टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, या सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। देखिए सेलेक्ट द या टेक द, ऐसे लिख सकते हैं, टेक द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस विल बी पैरेंट चेन, और मेन चेन, एंड गिविंग बेस नेम,
बेस नेम। नेक्स्ट पॉइंट यहां तक उतारिए, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसको। रूल नंबर सेकेंड, आईपीएससी नोमेनक्लेचर का रूल नंबर सेकेंड, इफ ओनली वन सब्सटेंट इज प्रेजेंट ऑन पेरेंट चेन, अगर एक सब्सटेंट होगा तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन कम बैक इन व्हिच डायरेक्शन नियरेस्ट सब्सटेंट विल प्रेजेंट। लिखिए तो इफ ओनली वन ब्रांचिंग, ओनली वन ब्रांचिंग और सब्सटिट्यूएंट, सब्सटिट्यूएंट इज प्रेजेंट, इफ ओनली वन सब्सटिट्यूएंट इज प्रेजेंट देन नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन और मेन चेन, नंबरिंग ऑफ मेन चेन कम बैक इन व्हिच डायरेक्शन नियरेस्ट सब्सटिट्यूएंट विल बी प्रेजेंट। रूल नंबर थर्ड, if more than one substituent are present, then numbering follow RPD rule, then numbering of parent chain follow RFPD rule. Rule 4 first point difference, RFPD का full form है, rule 4 first point difference, numbering of parent chain follow, numbering of parent chain follow RFPD rule, RFPD का full form होते हैं, rule 4 first point difference, RFPD का फुल फॉर्म रूल फोर फर्स्ट पॉइंट, रूल फोर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, समझाते हैं आगे सबको, समझा रहे हैं इसको भी। रूल नंबर फोर नेमिंग ऑफ सब्सटिट्यूएंट रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, आगे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, इस टाइप का एक एग्जाम्पल दिए हुए आपको, CH3, CH2, CH3। यहां देखिए, इसमें केवल एक, सबसे पहले टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, तो पहला रूल, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का चेन लिए, ये चेन इसका पेरेंट चेन हो जाएगा,
ये चेन इसका मेन चेन और पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन कितने कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए इधर से काउंट करते हैं तो ये छूट गया इधर ब्रांचिंग, इस ब्रांचिंग का नाम होगा सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल ग्रुप है ये थर्ड पोजीशन पे। अगर उधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पे आएगा और इधर से नंबरिंग करेंगे थर्ड पोजीशन, तो इधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करना है तो आपको इधर से ही नंबरिंग करना है क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ता है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांचिंग को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम हो जाएगा 3-methyl अल्काइल ग्रुप है ये 3-methyl हेक्सेन, IUPAC नेम इसका 3-methyl, IUPAC नेम इसका 3, थर्ड पोजीशन पे 1-methyl ग्रुप 3-methyl हेक्सेन। टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स होता है रूट, वर्ड रूट इसका 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स, हेक्सेन 3-methyl हेक्सेन। उतारिए इसको आगे फिर बताते हैं। रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस RFPD रूल आपको हम समझा रहे हैं, जस्ट उतार लीजिए अभी इसको। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इस टाइप का, सेकेंड एग्जाम्पल इस टाइप से हम लिख रहे हैं CH3 और इधर लिखते हैं C2H5 दो कार्बन है इसमें। ऐसा करते हैं एक स्टेप बढ़ा देते हैं फिर हम लिखते हैं आपको CH2 CH3। नेक्स्ट है ये CH2 CH3। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको लेना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा आप बताइए इसका, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 फोर कार्बन का मिला। ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6 देखते हैं और ज़्यादा लंबा चेन मिल रहा है क्या, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल यही चेन हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। टेक द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट चेन आपका ये मिला और ये क्या बच गया ब्रांचिंग, और उस ब्रांचिंग को बोलेंगे मिथाइल, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और ये इसका पैरेंट चेन PC4 पैरेंट चेन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, तो जिधर से ये मिथाइल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंट करना है, इधर से काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 पोजिशन पर मिथाइल इधर से आता है, इधर से काउंट करके देखते हैं 1 2 3 डिफिनेट इधर से ही काउंट करेंगे 3 पोजीशन पे, उधर से 5 पे मिल रहा था इधर से 3 से मिल रहा था, इधर से 3 पोजीशन पे मिल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 डिफिनेट इधर से ही काउंट करेंगे क्योंकि इधर से नज़दीक मिलेगा तो नाम हो जाएगा 3-methyl इसका भी 3-methyl, टोटल कार्बन 7 हेप्टेन, काफ़ी आसान है। तो चलिए आपको RFPD रूल समझाते हैं, RFPD रूल समझाते हैं, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फुल फॉर्म है रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, हम लिखा चुके हैं रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, समझाते हैं आपको। जैसे इस टाइप का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं हम CH3, एक और लेते हैं हम एक और मिथाइल ग्रुप CH3, फिर CH2 CH3, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ये CH3। तो मेन चेन तो आपका यही हो जाएगा पेरेंट चेन, ये तो सीधा ही है मेन चेन तो सीधा ही है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, चेक कर लेते हैं RFPD रूल, चेक कर लेते हैं RFPD रूल चेक कर लेते हैं। अगर उधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए पोजीशन देखिए मिथाइल का पोजीशन, ब्रांचिंग का पोजीशन देखिए, ब्रांचिंग का पोजीशन इधर से सेकंड पोजीशन पे, फिर ये 4 पोजीशन पे है और ये 5 पोजीशन पे है। तो अगर उधर से आप नंबरिंग करते हैं एरो ऐसा दे देते हैं, अगर उधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पोजीशन मिलता है, 4 पोजीशन मिलता है और 5 पोजीशन ब्रांचिंग का मिलता है, 2 ये 4 ये और ये 5 पोजीशन। फिर एक बार इधर से नंबरिंग करके देखते हैं,
अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तब चेक कर लेते हैं कितने पोजीशन पर आता है, तो इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, इधर से देखते हैं तो ये सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन, फिर ये थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन, फिर ये 5 कार्बन पे ब्रांचिंग मिलता है, सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग, थर्ड कार्बन पे ब्रांचिंग मिथाइल, 5 कार्बन ब्रांचिंग मिथाइल, 5 कार्बन पे। तो रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, अगर उधर से नंबरिंग करते थे तो ये एरो है, इधर से नंबरिंग करते थे तो ये एरो है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं हुआ। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट पे रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट दोनों में इधर से भी 2 उधर से भी 2 मिलता है, तो अब सेकेंड पॉइंट से डिसाइड करते हैं, तो ये 4 है और ये 3 है, ये 4 है और 3 है, तो 4 के साइड से नहीं करेंगे, 3 के साइड से करेंगे जिधर से आपको नजदीक। अगर ये दोनों भी बराबर हो जाता तो फिर थर्ड पॉइंट देखते, थर्ड पॉइंट बराबर हो जाता तो फिर फोर्थ पॉइंट देखते, बढ़ते जाएंगे आगे। तो यहां से डिसाइड हो गया ये 4 है और ये 3 है, तो 4 को आप प्रीफर नहीं करेंगे, 4 ज्यादा दूर हो जाएगा, 3 को प्रीफर करेंगे, तो डेफिनेट इधर से नंबरिंग करना है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2, 3, 5 तीनों मिथाइल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल लिखेंगे, तो क्या क्या पोजिशन है, 2, 3, 5 कोमा करते जाएंगे, फिर डैश लिखेंगे, और 3 मिथाइल है तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल, अगर 4 रहता तो क्या लिखते, टेट्रा मिथाइल, 5 रहता तो पेंटा मिथाइल लिखते। अब 3 है तो तीनों का पोजिशन इंडिकेट करना जरूरी है, कि एक जो है सेकंड पोजीशन पे, दूसरा जो है थर्ड पोजीशन पे, तीसरा जो है 5 पोजीशन पे, ये इंडिकेट करना जरूरी है। तो 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन कितने, 6 हेक्सेन, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्सेन नाम हो जाएगा, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, उतार लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरएफपीडी रूल यही है, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, उतारिए। चलिए आज हम सिखाते हैं लाइन डायग्राम आपको, लाइन डायग्राम, हेडिंग लिखिएगा लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम सीखिए, लाइन डायग्राम, जैसे इस टाइप का हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर जो भी होगा थर्ड, ये थर्ड एग्जाम्पल मान लीजिए, थर्ड एग्जाम्पल है लाइन डायग्राम, जैसे ऐसा लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2, CH3, तो नाम क्या होगा इसका, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट होता था, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, अल्केन होगा, अल्केन का सफिक्स होता है ANE, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ऐसे अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन इसको बोलेंगे, रहने दीजिए अभी, ब्यूटेन नाम है अभी जानिए। अब कोई ब्रांचिंग नहीं, तो इसको आप लाइन डायग्राम में ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइप से लाइन डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसा, इस टाइप से, फिर से लिख देते हैं, इस टाइप से ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका इसका मतलब है इंड पॉइंट एक कार्बन, कार्बन ऑलवेज शो टेट्रावेलेंसी, कार्बन ऑलवेज शो टेट्रावेलेंसी, यहां एक कार्बन होगा तो कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये कार्बन यहां भी एक कार्बन, जहां से फॉल्ड हुआ है वहां वहां कार्बन होगा, जहां इंड पॉइंट है वहां कार्बन होगा, ध्यान रखिएगा, ये अंडरस्टूड है कि जहां इंड पॉइंट है वहां कार्बन है, बीच में कोई कार्बन नहीं, जहां फिर फॉल्ड, जहां से मुरा है वो कार्बन होगा, यहाँ यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, तो 1, 2, 3, 4 कार्बन है इसमें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो इसका भी नाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, तो नाम होगा ब्यूटेन, इसका भी नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये लाइन डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, ये लाइन डायग्राम, इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको, लाइन डायग्राम। यहाँ देखिए अंडरस्टूड है, यहाँ एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, कार्बन ऑलवेज सो टेट्रावेलेंसी, याद रखिए कार्बन के वैलेंसी ऑलवेज 4 होते हैं, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड इसका खाली रहेगा, तो 3 बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन भर देंगे, यहाँ कार्बन होगा 2 बॉन्ड ये कार्बन बना चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी और खाली रहेगा तो 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ कार्बन होगा 2 वैलेंसी फुलफिल है, 2 वैलेंसी खाली है तो 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ यहाँ कार्बन एक बॉन्ड बनाए, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया 3 वैलेंसी खाली रहेगा, 3 हाइड्रोजन, तो इस तरह से लाइन डायग्राम ऐसा लिखते हैं। एक और लिखते हैं, आप लिखिएगा लाइन डायग्राम और डायरेक्ट लिखते हैं, आपको बताना है क्या नाम होगा इसका लाइन डायग्राम में, इस तरह से, इस तरह से जिग जैग, आपको बताना होगा इसका क्या नाम है,
तो सबसे पहले यहाँ एंड पॉइंट पे कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। देखिए कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, हम इस तरह से जिग जैग लिखें। आप कहेंगे आप इसको ऐसा क्यों नहीं लिखें सर, तो ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब होगा यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, दो ही कार्बन इसमें होगा, तो इसलिए जिग जैग लिखें ताकि जहाँ से फोल्ड होगा वहाँ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 और 7 कार्बन। लेकिन अगर इसी को ऐसा लिख देंगे तो यहाँ हम ऐसा सोचेंगे कि यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन, बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो फोल्ड करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, फोल्ड करना पड़ेगा। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेप्ट यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक और देखिए, आप बताइएगा आगे। इस टाइप से हम लिख रहे हैं, ऐसा ऐसा दे दिया। अब देखिए यहाँ एक ब्रांचिंग हो गया है, यहाँ एक ब्रांचिंग हो गया है। अब लॉन्गेस्ट चेन लेना है, सबसे पहले फर्स्ट रूल है आईपीएससी नोमेनक्लेचर का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन, नंबरिंग किया आप 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन, ये छूट गया, ये कार्बन यहाँ छूट गया आपका, ये कार्बन यहाँ आपका छूट गया है, तो इस कार्बन को ब्रांचिंग बोलेंगे, इस कार्बन को ब्रांचिंग। ये 5 नंबर क्वेश्चन जो इससे पहले था, इस टाइप का ऐसा, फिर से देखिए, फिर से देखिए, इस टाइप का कंपाउंड है ये, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और ये ब्रांचिंग लगा दिए, ये ब्रांचिंग, तो नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ कार्बन है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ भी कार्बन है लेकिन ये कार्बन छूट गया आपको मेन चेन से, मेन चेन से अलग हो गया कि 1 2 3 4 5, इस सभी कार्बन को काउंट कर लिए, ये कार्बन आपका छूट गया, यही ब्रांचिंग हो जाएगा, इसी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा, एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। टोटल कार्बन 5 है तो पेंट, अल्केन है तो एनी, पेंटेन। एक और लिखिए आप इस टाइप से, एक और लिखिए, ये कंपाउंड का नेम लिखना आपको। सबसे पहले टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस विल बी पैरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 मिला, 1 2 3 4 5 6 ही मिलता है, मीन्स क्या लॉन्गेस्ट चेन आप क्या लेंगे, 1 यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ले सकते हैं, और जो रेस्ट बच गया 1 2 3 4 5 6 जो रेस्ट बच गया वो ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग, ये भी ब्रांचिंग हो गया, इसमें कितने कार्बन, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप हो जाएगा, नाम क्या होगा इसका, इथाइल ग्रुप है ये, 2 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं इथाइल ग्रुप, पढ़ा चुके हैं आपको, तो इथाइल ग्रुप 2 है इसमें, 3 और 4 दो पोजिशन पर इथाइल है, तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएंगे, 3,4-diethyl, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स लिखेंगे, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन एनी, 3,4-diethyl हेक्सेन, उतारिए इसको। इस टाइप से एक और लिखते हैं, लाइन डायग्राम आपको बताना है, लाइन डायग्राम 6-7 नंबर क्वेश्चन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, थोड़ा नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आपको ऊपर देखने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा नीचे, 7 नंबर कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मान लीजिए एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिए, इसका मतलब है कि यहाँ एक कार्बन होगा, एक मिथाइल ग्रुप,
यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए और यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए और यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन का चेन इधर भी ले सकते, इधर एट मैक्सिमम 8 कार्बन का चेन आपका यही होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन। नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो कार्बन छूट गया वो ब्रांचिंग, तो ये कार्बन, एक कार्बन इधर छूटा है, इधर भी एक कार्बन छूटा, 2, 3, 4, 5 कार्बन आपका छूट गया, सभी ब्रांचिंग हो गया। अब देखिए RFPD रूल समझिए, RFPD रूल, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। मान लीजिए आप नंबरिंग इधर से करते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं तो इस मिथाइल का पोजीशन 2 पोजीशन मिलेगा आपको, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 पोजीशन पे एक ब्रांचिंग मिथाइल, 3 पोजीशन पे एक ब्रांचिंग है 3, और 4 पोजीशन पे ब्रांचिंग नहीं है, 5 पोजीशन पे ब्रांचिंग है 5, 6 पोजीशन पे यहाँ भी ब्रांचिंग है, ये वाला ब्रांचिंग 6 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे भी एक ब्रांचिंग मिला आपको। अगर आप उधर से नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तब देखिए क्या होता है, इस साइड से नंबरिंग करके देखते हैं। नंबरिंग आप इधर से करते हैं, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 4 5 6 7 8 कार्बन। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, और ये फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल नहीं है, सिक्स्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, और ये 7 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब समझिए, यहाँ देखिए ये दोनों दो दो है, ये भी 2 और ये भी 2, तो यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, फिर ये भी 3 3 है, यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, ये 5 है, ये 4 है, इसको प्रीफर करेंगे, इसको प्रीफर नहीं करेंगे आप, यही है रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। जहाँ आपको डिफरेंस मिला वो फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद उधर देखना ही नहीं है, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब है कि ये 5 और ये 4, तो यहाँ से डिसाइड कर देंगे कि नंबरिंग इधर से ही करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, ये वाला नंबरिंग आपका वैलिड नहीं है, उधर से जो करेंगे वो वाला नंबरिंग वैलिड है। अब मिथाइल का पोजिशन, मिथाइल 2, 3, 4, 6 और 7, 2, 3, 4, 6 और 7, कितने मिथाइल, 5 मिथाइल, तो पेंटा मिथाइल। तो आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या लिखेंगे, 2, 3, पहले मिथाइल का पोजीशन बताना पड़ेगा आपको, जितना मिथाइल उतना पोजीशन लिखना पड़ेगा, 5 मिथाइल है 1, 2, 3, 4, 5 मिथाइल है, बाद में ऑक्टेन है 3, 4, 6, 7, 5 मिथाइल है, एक का पोजीशन सेकेंड है, दूसरे का पोजीशन थर्ड है, तीसरे का फोर्थ, सिक्स्थ और सेवन, नाम हो जाएगा पेंटामिथाइल ऑक्टेन। समझे इसको, 8 कार्बन है टोटल, तो पेंटामिथाइल ऑक्टेन उतार लीजिए। एक और देखिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताना है, इस कंपाउंड का नेम आपको बताना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का चेन मिला, ये दोनों ब्रांचिंग हो गया, अब नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 3 कार्बन का मेन चेन, दोनों ब्रांचिंग मिथाइल ग्रुप, नाम हो जाएगा 2, 2 डायमिथाइल प्रोपेन, उतारिए आगे और हम साइक्लिक कंपाउंड पढ़ाते हैं। हेडिंग लिखिएगा साइक्लो अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आप याद रखिएगा, साइक्लो अल्केन का होते हैं CnH2n। देखिए देखने में लग रहा है अल्किन की तरह ही है, अल्किन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला और साइक्लो अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ये अल्किन का भी होते हैं, अल्किन और साइक्लो अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं CnN का वैल्यू हम लिखते हैं
फोर, एन का वैल्यू फोर लिखते हैं तो एच कितने हो जाएंगे, एच कितने तो फोर टू इंटू फोर, टू इंटू फोर तो सी फोर, तो एच कितने एट। फुलफिल कर लीजिए इसको, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। आप जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, क्लियर है, क्लियर है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, सी एच टू सी एच टू और ये भी सी एच टू, फोर कार्बन, फोर कार्बन और फोर कार्बन एट हाइड्रोजन, नाम होगा साइक्लो, साइक्लो टर्म लगाएंगे और फोर कार्बन के लिए ब्यूट रूट वर्ड होते हैं तो नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन। आप इस साइक्लो ब्यूटेन को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, इस साइक्लो ब्यूटेन को ऐसा भी लिख सकते हो, साइक्लो ब्यूटेन ऐसा लाइन डायग्राम में ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो साइक्लो ब्यूटेन। मीन्स क्या, यहाँ वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, यहाँ कार्बन होगा तो कार्बन की वैलेंसी, ऑल कार्बन ऑलवेज सो टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितने होते हैं चार, ये कार्बन दो बॉन्ड बना चुका है, दो वैलेंसी फ्री होगा, दो वैलेंसी, जितना वैलेंसी फ्री होगा उतना हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो वैलेंसी कम है, कार्बन की वैलेंसी चार होते हैं ऑलवेज फोर होते हैं, दो फुलफिल है, दो कम है, दो हाइड्रोजन रख देंगे, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, जितनी वैलेंसी कम है उतने हाइड्रोजन रख देना है। ये साइक्लो ब्यूटेन का ये भी स्ट्रक्चर होगा, साइक्लो ब्यूटेन लाइन डायग्राम में साइक्लो ब्यूटेन को ऐसा लिखेंगे। अगर आपको साइक्लो प्रोपेन लिखना हो, साइक्लो प्रोपेन ऐसा लिखना हो, ये क्या होगा, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोपेंटेन लिखना हो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा, साइक्लोहेक्सेन सिक्स कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन, साइक्लो साइक्लिक है तो साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं पढ़ेंगे इसको, बेंजीन में पाई बॉन्ड होता है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो ऑक्टेन देख लेते हैं, इस टाइप से देख, कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नाम है साइक्लो, टोटल कार्बन कितने हैं एट, तो ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टेन, उतारिए उतारिए इसको, साइक्लो ऑक्टेन। और भी एक एग्जांपल ले लीजिए, इस टाइप का एक हम फिगर बना दिया आपको, ऐसा फिगर बना दिया, इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम क्या होगा, तो देखिए ये साइक्लो प्रोपेन तो है ही, और एक ब्रांचिंग, ये अनब्रांच्ड, इधर साइक्लिक कंपाउंड था और ये कार्बन छूट जाता है, इसका नाम होगा मिथाइल अल्काइल ग्रुप, इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये ब्रांचिंग मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक और आप बताइए, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का नेम बताना आपको, इस कंपाउंड का नेम बताना है। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा मेन चेन हो जाएगा, तो वन टू थ्री, तीन कार्बन मेन चेन, ये मेन चेन हो गया तीन कार्बन का, इधर दो ही कार्बन बचा, दो कार्बन का इथाइल ग्रुप होते हैं, जिसका नाम होगा इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, उतारिए यहाँ तक, साइक्लिक कंपाउंड को उतार लीजिए। चलिए एक देखते हैं बाय साइक्लो कंपाउंड, दूसरा हेडिंग लिखिएगा, साइक्लो कंपाउंड लिखे थे, दूसरा लिखते हैं बाय साइक्लो कंपाउंड, बाय साइक्लो, बाय साइक्लो कंपाउंड, या साइक्लिक कंपाउंड का एक दो एग्जांपल और दें क्या आपको, साइक्लिक कंपाउंड का एक दो एग्जांपल और देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बाय साइक्लो। साइक्लिक कंपाउंड का ये एग्जांपल देखिए, इस कंपाउंड का नेम लिखना आपको, इस कंपाउंड का आपको नेम लिखना है। तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन का नंबरिंग कीजिए, कहीं से भी कीजिए स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो वन कार्बन, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन
11, 12, टोटल कार्बन 12, 12 के लिए टर्म यूज होता। पहले तो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो टर्म लगाएंगे, साइक्लो, और 12 कार्बन है तो 12 कार्बन के लिए डू डेक होते हैं, डू डेक साइक्लो साइक्लिक है तो साइक्लो, 12 कार्बन के लिए डू डेक, और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एनी टर्म लगा देंगे अल्केन के लिए, साइक्लो डू डेकेन। क्या नाम होगा इसका? साइक्लो डू डेकेन। बाई साइक्लो कंपाउंड देखते हैं, हेडिंग लिखिए बाई साइक्लो कंपाउंड। दो साइकिल होगा तो बाई साइक्लो कंपाउंड होगा, दो साइकिल होगा तो बाई साइक्लो कंपाउंड होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इस टाइप का कंपाउंड, इस टाइप का कंपाउंड, इसको बेंजीन नहीं पढ़िएगा, ये साइक्लो अल्केन है। ऐसे अगर पाई बॉन्ड इसमें रखेंगे तो नेप्थेलिन हो जाएगा इसका नाम, नेप्थेलिन नहीं है, ये बायसाइक्लो कंपाउंड है। नेप्थेलिन आगे पढ़ाएंगे, अगर जीरो ऐसा लिखेंगे तब नेप्थेलिन नाम होगा। मीन्स क्या, इसमें पाई बॉन्ड होगा कंजुगेट पोजिशन पे तभी नेप्थेलिन होगा। ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है ये, बायसाइक्लो अल्केन है ये। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बायसाइक्लो अल्केन में दोनों रिंग का एक कॉमन कार्बन, ये दोनों है कॉमन कार्बन, जिसे बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। दोनों रिंग का एक कॉमन कार्बन दो है, और दोनों कार्बन का नाम होगा ब्रिज हेड कार्बन। क्या नाम होगा इसका? ब्रिज हेड कार्बन, ध्यान रखिएगा इसका, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। तो ये भी इसका, इधर से लिखते हैं, ये भी इसका ब्रिज हेड कार्बन है, बी फोर ब्रिज, एच फोर हेड, और सी फोर कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, दो ब्रिज हेड कार्बन है। तो ब्रिज हेड कार्बन से इस लूप में आना है एक बार, और दूसरे बार इस लूप में आना है। तो सबसे पहले इसका आईपीएससी नेम जो लिखाएगा, तो कैसा लिखेंगे इसका आईपीएससी नेम? दो साइकिल है तो बायसाइक्लो, बायसाइक्लो, दो साइकिल है तो नेम हो जाएगा बायसाइक्लो, दो साइकिल है तो नेम हो जाएगा बायसाइक्लो। इधर ये 1, 2, 3, 4 इस लूप में आए तो 4 कार्बन, तो बायसाइक्लो, और इंडिकेट करेंगे इधर 4 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है। फिर इस लूप में आएंगे तो 1, 2, 3, 4 इधर भी मिलेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इस लूप में 4 कार्बन, तो 4। फिर देखिए इस लूप में आते हैं, इस लूप में एक भी कार्बन नहीं है, जीरो कार्बन है, इस लूप में जीरो कार्बन, एक यहाँ और इस लूप में एक भी कार्बन, इस लूप में 4 कार्बन, इस लूप में भी 4 कार्बन, इस लूप में जीरो कार्बन, तो 4, 4, 0। और टोटल कार्बन काउंट कर लेना है, तो टोटल 4 इधर 4 इधर 8 हो गया, 9 और 10, दो ब्रिज हेड में, तो 10 के लिए टर्म यूज करेंगे डेक, 10 के लिए टर्म यूज करेंगे डेक, तो डेकेन नाम हो जाएगा इसका, बायसाइक्लो 440 डेकेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। उतारिए इसको, मिटाते हैं इसको हम, बायसाइक्लो कंपाउंड का नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप का, बायसाइक्लो, ध्यान रखिए बायसाइक्लो, बायसाइक्लो इस टाइप का एक हम लिखते हैं, ये पहले साइक्लोहेक्सेन तो लिखे थे, अब इस टाइप का हम लिखते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, ऐसा कीजिए, इसको इधर दे दीजिए। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको करना है, ये भी बायसाइक्लो, एक साइकिल इधर एक साइकिल इधर। सबसे पहले इसमें क्या पहचानना, ब्रिज हेड कार्बन, जो दोनों रिंग का कॉमन कार्बन है उसे बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, दोनों रिंग का कॉमन कार्बन ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन को पहचानिए, ब्रिज हेड कार्बन, दो ब्रिज हेड कार्बन है, दो ब्रिज हेड कार्बन होगा तो बायसाइक्लो, और एक ब्रिज हेड कार्बन होगा तो एस्पायरो होते हैं, जो आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ब्रिज हेड कार्बन यहां से आपको चलना है, पहले जिसमें ज्यादा कार्बन है उस लूप में जाना है, तो इस लूप में 1, 2, 3, 4 कार्बन, इस लूप में जाएंगे, इस ब्रिज हेड कार्बन से इस लूप में आएंगे तो 1 और 2 इधर दो कार्बन है, अगर इस लूप में आते हैं तो एक ही कार्बन है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है उस लूप में पहले जाना है। तो सबसे पहले आईपीएससी नेम लिखने से सबसे पहले क्या लिखना है इसको, बायसाइक्लो, दो साइकिल है तो नाम क्या लिखेंगे, बायसाइक्लो, और उस लूप में आना जिधर ज्यादा कार्बन हो, तो पहले ज्यादा वाले कार्बन वाले लूप में जाते हैं, तो इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4, 1 2 3 और 4, इस लूप में कितने कार्बन इधर इधर आते हैं, तो
वन कार्बन टू कार्बन, इस ब्रिज हेड कार्बन को अभी छोड़ दीजिए, इस लूप में आए फोर कार्बन, इस लूप में आए टू कार्बन और इस लूप में एक ही कार्बन है, इस लूप में एक ही कार्बन है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर फोर कार्बन ज्यादा कार्बन वाले में पहले जाएंगे, उसके बाद ये दो कार्बन इसमें तो टू लिखेंगे टू, और इस लूप में एक कार्बन तो फोर टू वन इस तरह से हो गया। तो टोटल कार्बन कितने, फोर टू वन सेवन हो गया, और दो ब्रिज हेड कार्बन भी है, जोड़ दीजिए ब्रिज हेड कार्बन दो, तो सेवन प्लस टू नाइन कार्बन हो गया टोटल। नाइन कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं, नॉन लिखते हैं, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन ए एन ही सफिक्स होता है, नॉनेन। तो बायसाइक्लो फोर टू वन नॉनेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। एक और लिखिए आप, आपको अपने से लिखना है, आप इस टाइप का एक कंपाउंड दे रहे हैं। इस टाइप का कंपाउंड दे रहे हैं आपको लिखना है। यहां देखिए, यहां से फोल्ड हुआ है, यहां कार्बन होगा, इस कंपाउंड का नेम लिखना आपको। सबसे पहले बायसाइक्लो कंपाउंड है, क्लियर हो लीजिए। दो ही लूप है, ये ऐसा है, लूप देखने में लग रहा है थ्री डी फिगर है, ये एक्चुअल में ऐसा है, ऊपर है, ये एक्चुअल में ऐसा है। तो बायसाइक्लो ट्राईसाइक्लो नहीं है, वन साइकिल टू साइकिल, ये कोई साइकिल नहीं है, थ्री डी फिगर है, ये कोई क्रॉस नहीं है, ऐसा है ये बायसाइक्लो कंपाउंड है। तो पहले लिखेंगे बायसाइक्लो बायसाइक्लो बायसाइक्लो, क्या लिखेंगे इसको, इस लूप में एक और दो कार्बन, इस लूप में एक और दो कार्बन, इस लूप में एक कार्बन, और ये आपका ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ये आपका ब्रिज हेड कार्बन, ये भी आपका ब्रिज हेड कार्बन, इस तरह से दो ब्रिज हेड कार्बन। क्या क्या लिखेंगे इसको, टू टू, इधर भी टू, इधर भी टू कार्बन, इस लूप में वन कार्बन, टू टू वन, टू टू वन, टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, ये फाइव, टू प्लस टू प्लस टू वन फाइव, और दो ब्रिज हेड कार्बन हो जाएगा, कितने हो जाएंगे सेवन, तो हेप्टेन। सेवन के लिए हैप टर्म यूज करेंगे, हेप्टेन, बायसाइक्लो टू टू वन हेप्टेन। एक और लिखिए, एक और लिखिए, इस टाइप का कंपाउंड आपको हम देते हैं, इस टाइप का कंपाउंड आपको हम देते हैं। चलिए रहने दीजिए इसको, ब्रिज हेड कार्बन इसी को बना लेते हैं। ब्रिज हेड कार्बन, देखिए ये पूरा एक ही साइकिल है, अभी तक एक ही साइकिल बना है, दूसरा साइकिल इस टाइप से, दूसरा साइकिल इस टाइप से, देखने में लगता है तीन साइकिल है, लेकिन ये बायसाइक्लो कंपाउंड ही है, ये बायसाइक्लो कंपाउंड है। सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन को पहचानिए, ये ब्रिज हेड कार्बन है। इस लूप में जाएंगे तो चार कार्बन, वन टू थ्री फोर कार्बन, इस लूप में आएंगे टू कार्बन, इस लूप में भी टू कार्बन, तो नाम हो जाएगा बायसाइक्लो, बायसाइक्लो है, ध्यान रखिएगा। देखने में थ्री डी फिगर लगता है कि ट्राईसाइक्लो हो जाएगा, तीन साइकिल हो जाएगा, लेकिन बायसाइक्लो कंपाउंड है, बायसाइक्लो बायसाइक्लो। ये ब्रिज हेड कार्बन को पहचान लीजिए पहले, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, इस लूप में चार कार्बन तो फोर, इस लूप में आएंगे तो वन टू दो कार्बन, इस लूप में आएंगे तो वन टू दो कार्बन, फोर टू टू, टोटल कार्बन टेन हो जाएंगे। एट तो यही दिख रहा है, फोर प्लस टू एट, और दो ब्रिज हेड कार्बन होगा, दो ब्रिज हेड कार्बन दस हो जाएंगे। दस के लिए टर्म होता है डेक, लिखेंगे डेकेन, बायसाइक्लो फोर टू टू डेकेन, उतारिए, उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बायसाइक्लो कंपाउंड का एक और एग्जांपल देखिए, इस टाइप का कंपाउंड हम बना दिए, साइक्लो हेक्सेन कंपाउंड है, और इधर से जोड़ दीजिए ऐसा, क्या नाम होगा इसका बताइए। तो ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन, दो साइकिल है, काफी सिंपल है ये तो, बायसाइक्लो, इधर वाले साइकिल में दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, इस लूप में एक भी कार्बन नहीं, नाम होगा बायसाइक्लो टू टू जीरो, इधर टू कार्बन, इधर टू कार्बन, इस लूप में एक जीरो कार्बन, हेक्सेन, हेक्सेन सिक्स कार्बन होगा टोटल,
फोर और दो ब्रिजेड कार्बन। ये ब्रिजेड कार्बन पहचानिए, ब्रिजेड कार्बन है, क्या नाम है इसका, ब्रिजहेड कार्बन। एक और लिखिए, ऐसा आपको लिख देता है, इस कंपाउंड का नेम लिखना आपको। तो यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, ब्रिजहेड कार्बन होगा, ये ब्रिजहेड कार्बन है। ये नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। इधर भी टू, इधर भी टू, इधर जीरो, टू टू जीरो, ये हो गया। और टोटल कार्बन सिक्स हो जाएगा, हेक्सेन, ये भी हेक्सेन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है एस्पायरो कंपाउंड, एक और बाईसाइक्लो देखिए, उसके बाद पढ़ाते हैं एस्पायरो कंपाउंड। इस टाइप का हम लिखते हैं आपको, इस कंपाउंड का नेम लिखना है। सबसे पहले ब्रिजहेड कार्बन को पहचानना है, ब्रिजहेड कार्बन वन, ये ब्रिजहेड कार्बन, ये दूसरा ब्रिजहेड कार्बन। इस लूप में जाएंगे तो वन टू थ्री फोर कार्बन, इस लूप में टू कार्बन, इस लूप में वन कार्बन, क्या लिखेंगे, बायसाइक्लो, बायसाइक्लो। ब्रिजहेड कार्बन, ये ब्रिजहेड कार्बन पहचानिए, ब्रिजहेड कार्बन को पहचानिए। इस लूप में वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर कार्बन, फोर कार्बन, इस लूप में टू कार्बन, और इस लूप में वन कार्बन, और क्या लिखेंगे, टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, सेवन और टू नाइन, नॉन एन, नॉन एन। एस्पायरो कंपाउंड देखते हैं, उतारिए पहले इसको, एस्पायरो कंपाउंड। नेक्स्ट है एस्पायरो कंपाउंड, देखिए हेडिंग लिखेंगे एस्पायरो कंपाउंड, एस्पायरो कंपाउंड, एस्पायरो कंपाउंड। एस्पायरो कंपाउंड का फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एस्पायरो, एस्पायरो कंपाउंड में एक ब्रिजहेड कार्बन होगा, ध्यान रखिएगा। एस्पायरो कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड को एस्पायरो कंपाउंड बोलते हैं, एस्पायरो कंपाउंड। देखिए एक ब्रिजहेड है, इसमें दो रिंग है, दो रिंग है, दो साइकिल है, लेकिन ब्रिजहेड कार्बन एक है, ब्रिजहेड कार्बन एक रहे तो इसे बोलेंगे एस्पायरो। एक ब्रिजहेड कार्बन, बी फोर ब्रिज, एच फोर हेड, सी फोर कार्बन, एक ब्रिजहेड कार्बन, दो साइकिल इसमें, बायसाइकिल ये भी है, लेकिन इसमें ब्रिजहेड कार्बन एक है, इसे बोलेंगे एस्पायरो, इसे बोलेंगे एस्पायरो। एस्पायरो और बायसाइकिलो में क्या डिफरेंस है, तो बायसाइकिलो में दो ब्रिजहेड कार्बन और एस्पायरो कंपाउंड में एक ब्रिजहेड कार्बन, ये भी दो साइकिल है, आप इसको भी बायसाइकिलो कहते थे, लेकिन ये एस्पायरो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ब्रिजहेड कार्बन वन है, एस्पायरो ब्रिजहेड कार्बन वन, इधर दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, क्या लिखेंगे इसको, टू 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 टू, टोटल कार्बन फाइव है, पेंटेन, पेंटेन। चलिए एक और देखिए एस्पायरो, एक और एस्पायरो कंपाउंड, ये एस्पायरो कंपाउंड देखिए, ब्रिजहेड कार्बन, ब्रिजहेड कार्बन आपको एक ही मिला, आपको ब्रिजहेड कार्बन ध्यान रखना है। इधर वन टू थ्री फोर फाइव, पहले लिखेंगे एस्पायरो, एक ब्रिज हेड रहेगा तो एस्पायरो लिखेंगे, एस्पायरो, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच कार्बन, और इस लूप में जाएंगे तो वन टू थ्री फोर कार्बन, वन टू थ्री फोर कार्बन, वन टू थ्री फोर कार्बन, तो फाइव फोर, इधर फाइव कार्बन, इधर फोर कार्बन, एक ब्रिज हेड कार्बन, टोटल कार्बन दस, डेकेन, दस के लिए रूट वर्ड होते हैं डेक टू डेकेन। नेक्स्ट एस्पायरो कंपाउंड, एस्पायरो कंपाउंड, ये भी एस्पायरो कंपाउंड है, एक ब्रिजहेड कार्बन है, ब्रिजहेड कार्बन एक है, इसमें एक ब्रिजहेड कार्बन है एस्पायरो, क्या लिखेंगे एस्पायरो का, इसका नाम, तो एस्पायरो, और इधर वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन, क्या क्या लिखेंगे, एस्पायरो, दोनों साइड फाइव है, फाइव फाइव कार्बन, टोटल कार्बन एलेवन हो जाएंगे, तो अन डेक, अनडेकेन, एस्पायरो फाइव फाइव, अनडेकेन, उतार लीजिए इसको, उतारिए। नेक्स्ट एक और देख लीजिए,
इस टाइप का कंपाउंड है। क्या नाम होगा इसका? ये भी एस्पैरो कंपाउंड है, ब्रिज हेड कार्बन एक ही है, दो साइकिल है, दोनों साइकिल के बीच एक ही ब्रिज हेड कार्बन है, वन ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड वन कार्बन, तो नाम होगा एस्पायरो, 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 इधर वन टू थ्री, इधर भी वन टू थ्री, थ्री थ्री एस्पायरो, टोटल सेवन कार्बन, थ्री इधर सिक्स और वन सेवन, हेप्टेन, सेवन के लिए रूट वर्ड होते हैप्ट, तो अल्केन है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्केन हेप्टेन, एस्पायरो थ्री थ्री हेप्टेन। अब समझ चुके हैं एस्पायरो कंपाउंड क्या होते हैं। था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं कुछ प्रीफिक्स है, कॉमन नेम में आते हैं प्रीफिक्स, नॉर्मल प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, आईएसओ प्रीफिक्स कब यूज करेंगे और न्यू प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, थोड़ा देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट में लिखेंगे प्रीफिक्स, कॉमन नेम में आएगा ये सब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नॉर्मल, प्रीफिक्स नॉर्मल टर्म आप कब यूज करते हैं, फर्स्ट में लिखेंगे प्रीफिक्स नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल को स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कभी कार्बन चेन, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चेन अनब्रांच्ड हो तो नॉर्मल टर्म यूज करते हैं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, अनब्रांच्ड किसके लिए टर्म यूज करेंगे, नॉर्मल टर्म किसके लिए यूज करेंगे, तो फॉर अनब्रांच्ड, फॉर अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड कोई ब्रांचिंग नहीं, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रो कार्बन चेन, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन को नॉर्मल से रिप्रेजेंट करेंगे। अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन रहेगा तो नॉर्मल, जैसे देखिए एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, अनब्रांच्ड कोई ब्रांचिंग नहीं, जैसे इस टाइप का CH3, CH2, 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 कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, CH2 अनब्रांच्ड चेन है ये, इसका कहीं कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ CH3 हो जाएगा, कार्बन ऑलवेज टू टेट्रावेलेंसी, तो इसको बोलेंगे पेंटेन, पांच कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन, लेकिन पूरा कंप्लीट नेम इसका कब होगा, अनब्रांच है तो नॉर्मल पेंटेन, नाम होगा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, क्या नाम होगा इसका, नॉर्मल पेंटेन, जैसे इसका नाम बताइए आप, ये भी अनब्रांच्ड चेन है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, देखिए कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कार्बन, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, नाम होगा नॉर्मल ऑक्टेन, क्या नाम होगा इसका, नॉर्मल, नॉर्मल एन, एन फॉर नॉर्मल और एट कार्बन है तो ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, समझ गए इसको, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगा कार्बन चेन में तो टर्म होगा नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे, नॉर्मल, समझ गए इसको। नेक्स्ट है प्रीफिक्स आइसो, प्रीफिक्स अगर किसी वर्ड के पहले कोई टर्म आता है तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या होते हैं, किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं जो टर्म आते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आइसो टर्म कब यूज करते हैं, आइसो प्रीफिक्स, आइसो, आइसो के लिए टर्म स्मॉल आई लिख सकते हैं आप, आइसो, आइसो टर्म कब यूज करेंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन चेन में सेकेंड कार्बन पे वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आइसो टर्म यूज कर सकते हैं। जनरली ये सब टर्म लोअर हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन इसका कार्बन नंबर एट से कम होगा तभी टर्म ये सब यूज करेंगे। तो आप लिखिए वन मिथाइल ग्रुप ऑन ये फोर आइसो टर्म किसके लिए यूज करेंगे, तो फोर वन मिथाइल ग्रुप, वन मिथाइल अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, वन मिथाइल ग्रुप, ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन ध्यान रखना है, सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होंगे तो टर्म होगा आइसो सेकेंड कार्बन, फॉर वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3, यहां देखिए मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे CH CH3, देखिए कार्बन चेन नंबरिंग कीजिए, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन का मेन चेन ये ब्रांचिंग हो जाएगा, और वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन का चेन ये ब्रांचिंग, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए, कॉमन नेम टर्म यूज कर सकते हैं आइसो, और टोटल कार्बन पांच है तो आइसो पेंटेन,
आइसोपेंटेन टर्म आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, थर्ड कार्बन पे होगा तो नहीं होगा, फर्स्ट कार्बन पे तो मेन चेन ही हो जाएगा। तो आइसोपेंटेन, अगर आइसोहेक्सेन लिखना हो तो ऐसा होगा, लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, लाइन डायग्राम 1 2 3 4 5 और एक ब्रांचिंग दे दिए। सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग नाम होगा आइसो, टोटल कार्बन 6 है, हेक्सेन, आइसोहेक्सेन कॉमन नेम हो गया इसका, आइसोहेक्सेन 1 2 3 4 5, पांच कार्बन है उसमें, एक इसमें, छह कार्बन, या इसको 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग है आइसोहेक्सेन, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे 2-methyl आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा आईयूपीएसी नेम 2-methyl, टोटल कार्बन 5 है, पेंटेन, 2-methyl पेंटेन, काफी इजी है। इसको क्या लिख सकते थे, 2-methyl ब्यूटेन, आईयूपीएसी नेम में इसको लिख सकते थे 2-methyl ब्यूटेन, 2-methyl ब्यूटेन, मेन चेन 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेन, और ये मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग 2-methyl ब्यूटेन या आइसोपेंटेन, आईपीएसी नेम 2-methyl पेंटेन या आइसोहेक्सेन। चलिए एक और लिखते हैं, आपको बताना है, आपको बताना है इस टाइप का टर्म, इसका नेम लिखना है। सबसे पहले ये ब्रांचिंग है, देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर हो गया आइसोहेक्सेन, चलिए ऐसा लिख देते हैं। तो अब इसको आइसो नहीं लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन पे मिथाइल हो गया, इसको आइसो नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, आइसो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा तभी आइसो होगा। तो अब बोल सकते हैं 1 2 3 4, जैसे देखिए आइसो प्रोपेन, प्रोपेन लिखना हो तो कैसा लिखेंगे, आइसो प्रोपेन, आइसो प्रोपेन इस टाइप से, इस टाइप को बोलेंगे आइसो प्रोपेन, ऐसा, ये आइसो प्रोपेन है। आइसो प्रोपेन कैसे, तो कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग, सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग, एक कार्बन का ब्रांचिंग, नाम होगा आइसो, आइसो 1 2 3, चार कार्बन हो गया टोटल, आइसो ब्यूटेन नाम हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन, आइसो प्रोपेन पॉसिबल है ही नहीं, आइसो ब्यूटेन कम से कम होना चाहिए, आइसो ब्यूटेन। चलिए उतार लीजिए इसको, थर्ड प्रीफिक्स है, थर्ड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नियो, न्यू टर्म कब यूज करेंगे आप, प्रीफिक्स न्यू, अगर दो मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो न्यू टर्म आप यूज करेंगे, ये कॉमन नेम में आएगा। तो न्यू टर्म कब यूज करेंगे, फॉर 2-methyl ग्रुप, 2-methyl ग्रुप, 2-methyl ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे 2-methyl ग्रुप हो, एक मिथाइल ग्रुप होगा, ऑन कीजिए, ऑन है, प्रीफिक्स न्यू, प्रीफिक्स न्यू कब टर्म यूज करेंगे, फॉर 2-methyl ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन पे, अगर सेकेंड कार्बन पे 2-methyl ग्रुप प्रेजेंट होगा तो प्रीफिक्स न्यू आप टर्म यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इस टाइप का CH3, ऐसा है। तो मेन चेन, तीन कार्बन का मेन चेन, 1 2 3, तीन कार्बन का मेन चेन प्रोपेन हो गया, और इस सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांचिंग, 2-methyl ग्रुप, अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इस टाइप का नेम हो जाएगा 2-2-dimethyl propane, 2-2-dimethyl propane, क्या लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, 2-2-dimethyl propane, प्रोपेन, तीन कार्बन का मेन चेन 2-2-dimethyl propane, और कॉमन नेम में किस टाइप से लिखेंगे, तो नियोपेंटेन, सेकेंड कार्बन पे 2-methyl ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे 2-methyl ग्रुप, टर्म क्या होता है, नियो, नियोपेंटेन, क्या लिखेंगे इसको, नियो, टोटल कार्बन 5 है तो पेंटेन, नियोपेंटेन। चलिए इसको लाइन डायग्राम में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो लाइन डायग्राम में इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका बीच में एक कार्बन और सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे 2-methyl ग्रुप, 1 2 3, लाइन डायग्राम में ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छा से लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, हो गया नियोपेंटेन, क्या है ये, नियोपेंटेन, वन कार्बन एंड पॉइंट पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तीन कार्बन और दो ब्रांचिंग, 2-methyl ग्रुप का ब्रांचिंग, क्या नाम होगा इसका, नियो, लाइन डायग्राम में ऐसा लिखेंगे, नियोपेंटेन या 2-2-dimethyl propane। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बताना है इसका नेम, इसका नेम बताइए क्या होगा, एक मिनट, एक मिनट, अच्छे से लिख देते हैं आपको, अच्छे से लिख देते हैं,
इसका नेम बताना है, तो ये भी नियोहेक्सेन हो जाएगा। देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन का मेन चेन और ये दो मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग 2,2-dimethylbutane नाम हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 2,2-dimethylbutane, टोटल कार्बन 4 का है तो ब्यूटेन, और इसको लिख सकते हैं नियोहेक्सेन। नियो टोटल कार्बन 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नियोहेक्सेन लिखेंगे। अगर आपसे कोई इसका आईयूपीएसी नेम पूछता है तो क्या लिखेंगे इसका, ये कॉमन नेम में आता है, ये प्रीफिक्स वाला कॉमन नेम में आता है, ट्राइवियल नेम में आता है, ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम में आता है। आईयूपीएसी नेम अगर कोई इससे पूछता है, आपसे पूछता है तो क्या नाम होगा, सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप, 2,2-dimethylbutane, 2,2-dimethylbutane। चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाने से आपको भी दिक्कत होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके बाय।